हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको, प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? भगवान से आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल 5507 सोनिया सोनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दो दिन हो गए ब्लॉग नहीं बना, कमेंटों का सिलसिला बहुत जबरदस्त हुआ पड़ा है और काफी कमेंट आए पड़े हैं और अब है कमेंट की बारी। और जल्दी जल्दी सभी के कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा कमेंटों का नाम लूँ, अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो मैंने तो पहले बता रखा है इंसान दो ही तरह का होता है, अच्छा या बुरा। तो लेट्स गो। कमेंट है प्रमोद कुमार 005। तो सोनिया जी बहुत अच्छा डांस करती हो पर पेट से करती हो और बहुत ही अच्छा है पर उससे जैसे आप डांस वगैरह करती हो तो थोड़े आपके कपड़े वपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो इन्होंने काफी अच्छी बोली है और मेन बात पता क्या बोली है कि मर्यादा में रहकर वीडियो बनाई है तो मेरी वैसे सारी वीडियो मर्यादा की रहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं मर्यादा से बाहर काम भी नहीं करती। बट हाँ, मैं अपने स्वैग में रहती हूँ, मैं अपने स्टाइल में रहती हूँ, उसे आप कह सकते हो। जो आपने बोला है मुझे, वो कुछ लोगों को हजम नहीं होगी बात है। तो थैंक यू दोस्त, लव यू, गॉड ब्लेस यू और आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगी। वैसे मेरी स्पीड इतनी रहती है, ज़्यादा स्पीड नहीं रहती है, थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा जूम आउट हो जाता है तो जिससे आपको ऐसा लगता है। थैंक यू प्रमोद। पर्स की आईडी पे नाम नहीं है पर मोहन सिंह डागी नाम लिख के भेजा है, थैंक यू। शायद मैंने बोला है तो व्यूवर्स की बात समझ में आती है। तो थैंक यू मोहन सिंह डागी जी। आप सोनिया जी प्लीज़ ऐसे खुले में डांस ना करें, कोई हादसा हो जाएगा और हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो थैंक यू दोस्त। वैसे मैं कभी भी, देखो मैं हमेशा हाईवे से ही जाती हूँ और मैं कभी भी बहुत ना के बराबर कोई 2-4 महीने में कभी मैं वीडियो यहाँ शूट करती हूँ रोड पे ऑन रोड, वरना मैं नहीं करती। मुझे भी पता है ट्रैफिक के नियम और वैसे भी सही कह रहे हो आप, ड्राइवर का दिमाग एकदम से चेंज हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हादसे होने के ज़्यादा चांस है। थैंक यू आपकी बात को मोहन सिंह डागी दिल में और दिमाग में दोनों में रखूँगी। ऋषभ खान क्या नाम है, आई थिंक, मुझे पता नहीं है, मुसलमान है भाई। तो भाई ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि पहले अपना पेट कम कर ले। तो भैया मैं पेट की है ना बात सुन सुन के बोर हो गई हूँ, मैं अब इस पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी। और रही उसकी बात, मेरा पेट अंदर ही, तुमसे नहीं लज रहा ना किसी दुनिया से लज रहा और मैं हेल्थी हूँ और मुझे प्राउड है अपनी हेल्थ पे कि मैं 40 साल की होके भी सही हूँ और फिट हूँ और मैं खूब अच्छे से डांस करती हूँ और मेरे मूव ऐसे नहीं होते कि मेरे पे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ देख के और मैं, मुझे वैसे जरूरत नहीं है किसी की, मुझे खुद पता है कि कब हेल्थ घटानी कब नहीं घटानी। तो थैंक यू। ये पेट की बात करते हैं और ये पापी पेट का सवाल है पापी पेट का सवाल है कैसे की कह रहा हूँ। व्यूवर्स की आईडी पे के भाई वैली वालजन क्या उनकी नाम लिखा ढंग से मुझे पता नहीं चल रहा है। तो इन्होंने बोला है मेरे से कि सोनिया जी भाई साहब के साथ वीडियो बनाए और उनका उनका डांस भी दिखाए। तो क्या विचार है भाई तुम्हारे, तुम्हारे लिए कमेंट आया। इनका मन तो बहुत करता है मेरे साथ नाचने के लिए, बोलो ना कुछ भाई। मुझे कैमरा के सामने आने में शर्म लगती है, इन्हें कैमरे के सामने, कैमरे के सामने आने में शर्म लगती है। बहुत कम वीडियो बनाते हैं, बहुत ज्यादा जब मैं इनको प्रेशर करती हूँ तब वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू और वैसे भी आपको निराश नहीं किया जाएगा, किसी ना किसी दिन आपकी वीडियो देखने को जरूर मिलेगी दोस्त। सतीश कुमार 5742 मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर, बहुत पुराने सब्सक्राइबर, जब मैं सरवाइव कर रही थी और आज भी मैं सरवाइव ही कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो इन्होंने मेरे से बोला है कि सोनिया जी मैं काफी दिन से आपकी वीडियोस देख नहीं पा रहा हूँ और क्योंकि मैं अपने मकान में लगा हुआ था। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको आपके मकान की और आप आगे बढ़े, तरक्की करें, नए मकान बनाएं और हमारे साथ आप अपनी वीडियो और प्रोफाइल शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप माता रानी का नाम लें और आप अपने मकान में
अच्छे से भंडारे करवाएं और जागरण करवाएं और मुझे भी इनवाइट करें। तो सतीश जी थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब किसी का मकान बनता है। तो मैंने भी कभी सोच रखा है कि क्योंकि हमारा जो मकान है, जिस मकान में हम रहते हैं वो गाटर पत्थर का है, मैं भी सोच रही हूँ कि हम भी अपने मकान लेंटर का बनाएं और अच्छे से बनाएं और छोटा बनाएं जिससे जल्दी काम हो जाए, सफाई हो जाए। क्योंकि अब 125 गज का घर है और मैं और बेटी लगे रहते हैं तो काफी देर लग जाती है हमें सफाई करने में। थैंक यू सतीश जी, लव यू, आपने मैसेज दिया। तो फाइनली वीडियो शूट हो गई है और हालत देख रहे होंगे आप, ढीली हो चुकी है, पसीने में कैसे हो गए हैं, हाथ पैर सब, बाल वाल सब बिखर चुके हैं। तो दोस्तों अगला जो कमेंट है वो है पुष्प करण, जो भी आपकी है, सॉरी पुष्प करण जी। तो इन्होंने बोला है, मैंने कन्याकुमारी का गाना गाया था तो उन्होंने बोला कन्याकुमारी नहीं है बट कन्या, आप जो भी हो खूबसूरत। तो थैंक यू सो मच, अब क्या खूबसूरत हो। तो गर्मी आई जा रही तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा और लेने के देने पड़ेंगे। अब ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि अब से आगे हालत बहुत ज्यादा खराब है, ढीली हो जाएगी, कुछ कह नहीं सकते। व्यूवर्स की आईडी पे नाम नहीं है, व्यूवर्स ने लिखा है गिर जाएगी, मोटी ही उठेगी नहीं कैलाश पे। मैं क्या बोलू, मैं तो गाली निकलती मुंह से, तुम जरूर मेरे घर के ही होंगे, रिश्तेदार होंगे। तो ये कहीं ना कहीं रिश्तेदारी से आया है क्योंकि अधिकतर मेरे हस्बैंड का नाम घर वाले ही जोर के जानते ही हैं और हो सकता है कोई फैंस भी कैलाश जी का नाम जानते हो। और थैंक यू, अब तक इन्होंने ही उठाया है और आगे भी यही उठाएंगे। और मैं तो चाहती हूँ आखिरी सांस से जब मेरी हो तो मैं इनके कंधों से जाऊँ और जब मेरा जीवन सफल हो। थैंक यू दोस्त, लव यू। विनय कुमार सिंह 18-24, क्या अदाकार हो भैया, वो हंसी आवे, वो बहुत बहुत हंसी आवे जब मुझे कोई न्यू कहे ना क्या अदाकार हो, और फिर वो जब फिर और ज्यादा हंसी आवे क्योंकि न्यू कहे ना बहुत हेल्थी है यू है। तो थैंक यू दोस्त, आपको अच्छी लगी और एक्टिंग मेरी है जो भी है। और अब तुम देख रहे होंगे मेरे हालत बहुत ज़्यादा डेली हो रही है पर मुझे ब्लॉग तो कंप्लीट करना ही है अपना। तो इसी बात के लिए थैंक यू दोस्त, लव यू, आपको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी। तो बहुत ही छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया है और अब मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करूंगी क्योंकि अब इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो गई है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मैं दो लाइनें कहना चाहती हूँ, समझने वाला आपकी खामोशी भी समझ लेगा, ध्यान से सुने, समझने वाला भी आपकी खामोशी में सब कुछ समझ लेगा, वरना आपकी चीख को भी लोग शोर समझेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरा लास्ट आपके लिए लाइन थी। और खुश रहें और समझें एक दूसरे को और मेरी बात पे गौर फरमाएं। लव यू YouTube फैमिली, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलेंगे क्योंकि मेरे बाल झुंड जैसे बाल हो गए हैं, बिखर चुके हैं मेरे बाल और हालत मेरी ढीली हो गई है। तो भैया अब तो हम चल रहे हैं अपने घर को, अब नहाएंगे धोएंगे दोबारा से और फ्रेश होंगे और आप सबके बीच में कमेंटन के जरिए आएंगे, आपके कमेंटन का जवाब भी तो देना बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू दोस्त, लव यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।